नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलेंदर परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज़। आप देख सकते हैं कि ये क्रैश बैरियर लगाने वाली मशीन है और ये अपना प्रेशर डाल के जो है क्रैश बैरियर्स को इंस्टॉल करती है ताकि प्रॉपर तरीके से क्रैश बैरियर लगे और वो ज़्यादा मजबूत हो। आप देख सकते हो तस्वीरों में कि हाईवे के ऊपर वह क्रैश बैरियर की मशीन क्रैश बैरियर्स लगा रही है और ये हाईवे के ऊपर जो है 244 के ऊपर क्रैश बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि जिस तरीके से आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हमारे चिनाब अली के अंदर, उसी तरीके से जो है उसी को मद्देनजर रखते हुए एक्शन हुआ है। और कल जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट के बाद इफेक्ट हुआ और इफेक्ट के बाद आप देख सकते हैं कि क्रैश बैरियर को लगाया जा रहा है यहाँ पर। और क्रैश बैरियर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसे जो लाइन लगाई गई है, ये जो लाइन है यहाँ पर क्रैश बैरियर्स लगाए जाएंगे। ये जो लाइन लगी हुई है यहाँ पर, ये देख सकते हैं कि ये दो, और जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक आप देख सकते हैं कि क्रैश बैरियर्स लगाए जा रहे हैं, इंस्टॉल किया जा रहा है उनको। और ड्यू टू हेल्प ऑफ क्रैश बैरियर मशीन, इसकी वजह से जो है प्रेशर डाला जा रहा है, प्रेशर की वजह से इसे ज़मीन के अंदर धसा जा रहा है जो क्रैश बैरियर का होल्डर होता है। आप देख सकते हैं कि क्रैश बैरियर को होल्ड करता है, ये चीज़ जो है क्रैश बैरियर को होल्ड करती है और ये बड़ी मजबूती से अंदर तक लगाई जाए। इससे पहले आपको इसी जगह की अगर हम बात करें, इसी जगह पे एग्जैक्ट एक्सीडेंट हुआ था। एक टीचर जिस गाड़ी के अंदर था और वो गाड़ी जब यहाँ से नीचे जाती है तो नीचे चिनाब के ऊपर वो गाड़ी रुकती है और हमने उस समय यहाँ पर पूरा लाइव करके नीचे तक हम गए थे और नीचे हमने लाइव करके आपको दिखाया था कि किस तरीके से उस टीचर की जो है वो जान चली जाती है। पर अफसोस की बात है कि हर दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट चिनाब वैली के अंदर होता है जिसमें हमारे बहुत सारे लोग जो है हमने अभी तक खोए हैं। लेकिन ये अच्छी खबर है कि हाईवे जो है अच्छा बनाया गया है। हाईवे अच्छा बनने के साथ में इसके साथ अब क्रैश बैरियर्स भी लगाए जा रहे हैं, खबर का असर है। क्योंकि कल जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद मीडिया ने खबर चलाई, खबरें चली, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो है अपने DPR के फेसबुक पेज पर भी अपलोड किया कि हम हर वो चीज़ करने की कोशिश करेंगे, क्रैश बैरियर्स लगाने की कोशिश करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस की कोशिश करेंगे और सेफ्टी मेजर्स को लेकर सब चीज़ों में एक्शन होगा। और ट्रैफिक पुलिस से भी कल हमारी बातचीत हुई थी, आपने देखा था कि DSP ट्रैफिक के जो है शमशेर सिंह जी हमारे साथ में बात कर रहे थे। उसके बाद जो है वो SSP जो डोडा के हैं वो भी स्पॉट पर पहुंचते हैं और स्पॉट पर उन्होंने भी अश्योरिटी दी कि हम पब्लिक अवेयरनेस फैलाएंगे, लोगों को बताएंगे कि फ़ोन पर कॉल पर आपको जो है आप जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो कॉल पर बात नहीं करनी है और भी सारी वो मेजर्स चीज़ें देखी जाएगी जो सेफ्टी के लिए होंगी। तो SSP डोडा, DSP ट्रैफिक, DSP जो पुलिस के और बाकी जो है सभी लोग यहाँ पर स्पॉट पर पहुँचे थे, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, बाकी तहसीलदार हो या के लोकल लोग हों या जो भी यहाँ से वहाँ गाड़ियों में जा रहा था, वो भी रुक रुक के यहाँ पर देख रहा था कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। और उसमें आप जानते हैं कि 3 शख्स से, यानी कि 2 बच्चियाँ थी उसमें 17 साल की और एक शख्स से जो गाड़ी को चला रहे थे, और जब एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद 2 लोगों की मौत हो गई और एक जो है GMC डोडा के अंदर भर्ती किया गया, यानी कि वो इंजर्ड बच्ची जो है वो ठीक थी। और हमने कल किस तरीके से सारा लाइव आपको दिखाया, आज उसी एक्सीडेंट इंसिडेंट के साथ ही ये खबर जुड़ी हुई है। और आपको ये दिखाना चाहूँगा कि मैं देखिए बहुत सारी जगहों पर आपको दिख रहा होगा कि ये क्रैश बैरियर को होल्डर जो है वो ऊपर है, नीचे नहीं पूरे तरीके से दसा गया है। इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पर नीचे जो है वो मिट्टी नहीं हो, मिट्टी ना हो, नीचे पत्थर निकला हो, जिसके कारण इसको जितना भी प्रेशर आप डालोगे वो प्रेशर जो है वो नीचे तक नहीं, ये नीचे नहीं धसेगा ज़मीन के अंदर, क्योंकि नीचे पत्थर आ गया होगा और उस पत्थर को ये चीज़, यानी कि ये लोहे की मेटल की जो बनी हुई है, ये चीर के नहीं अंदर जा सकती जितना भी प्रेशर डालें। हाँ, प्रेशर डालने की वजह से ये है कि मिट्टी में ये चीज़ बड़ी आसानी से जो है वो धस जाती है। आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा प्रेशर लगा है, नज़दीक आइए, इतना ज़्यादा प्रेशर लगा है कि यहाँ से ये मेटल घिस चुका है।
ये देखिए ये पूरा का पूरा घिस चुका है, और ये जो है इसके ऊपर जोर लगता है, जब मशीन के द्वारा इसको जोर दिया जाता है तो जोर से ये अंदर की ओर दसता है, और उसके बाद इस पे जो है वो नट लगेंगे, और नट लगने के बाद इसके साथ में वो क्रैश बैरियर्स लगाए जाएंगे, जो आपने देखे होंगे कि क्रैश बैरियर्स लगाए जाते हैं। जब गाड़ी आएगी तो गाड़ी इसके साथ टकराने की वजह से गाड़ी बच सकती है, यानी कि उसमें जो पैसेंजर्स हैं वो बच सकते हैं, गाड़ी का थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन एक बड़ा एक्सीडेंट टाला जा सकता है। और कल भी जब हमने लोगों से भी बात की थी उसी स्पॉट पे, आप वो वीडियो भी देख रहे होंगे टीएलआर न्यूज़ पे, उस समय लोगों ने भी कहा था कि क्रैश बैरियर्स होने चाहिए, और क्रैश बैरियर बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से क्रैश बैरियर्स लग गए हैं, अब देखना ये होगा कि अब एक्सीडेंट्स में कितनी कमी देखने को मिलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं वो क्रैश बैरियर की मशीन जो है वो यहाँ पर जो है एक ट्रॉला है उसके ऊपर जो है ली जा रही है, और ये जो है प्रेशर की वजह से, इसके अंदर जो प्रेशर है वो उस प्रेशर की वजह से जो क्रैश बैरियर है, क्रैश बैरियर के ऊपर जो है डाला जाता है। आपके साथ में कौन है यहाँ पर, कोई है, कौन है वो चलाने वाले? चलिए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से, जो क्योंकि चिनाब वैली की अगर हम बात करें तो ये पहली बार ऐसी जो है मशीन यहाँ पर लाई गई जो क्रैश बैरियर को जल्दी लगा देती है। सर क्या नाम है आपका? तारिक हुसैन। कहाँ से आप? यहीं से, लोकल। लोकल हो आप, तो ये मशीन कहाँ से लाई आप? ये बाहर की है। बाहर से? कंपनी ने दिलवाई है? हाँ, ये कंपनी की है। कौन सी कंपनी है? आरएनसी कंपनी ने मंगाई है। आरएनसी में कंपनी है। और ये मतलब ऐसी हमने क्रैश बैरियर्स देखे हैं कि चिनावली में जब भी लगाते थे तो वो मैन फोर्स से लगते थे, यानी कि लोग लगाते थे, लेबर्स लगाते थे, और उसमें उतना पावर भी नहीं रहती थी उसमें ज्यादा। ये है जो है कि ये पावरफुल है, ज्यादा उससे पावरफुल है, इससे ज्यादा पावरफुल है ये। आपने देखा कि एक्सीडेंट बहुत ज्यादा, आप यहाँ के लोकल हो तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं, अब इन क्रैश बैरियर से क्या लगता है आपको कि बचाव दल हो जाएगा? बहुत ज्यादा मतलब कम हो जाएंगे अब एक्सीडेंट, क्योंकि ये ज्यादा मजबूत है उससे, पुराने जो बनते थे उससे ज्यादा मजबूत हैं ये। उस पे कंक्रीट डाला जाता था लेकिन ज्यादा अंदर तक नहीं डस पाता, वो ज्यादा अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि जहाँ पत्थर होगा वहाँ तो मैन्युअली कोई लेबर वाला कर नहीं सकेगा, इससे है कि ज्यादा मजबूत हो जाता है ये। उसमें ज्यादा टाइम भी लगता था, इसमें टाइम की भी है, इसमें टाइम की भी थोड़ी बचत है। बचत है, कितना लगाया अभी सुबह से, कितने तक, कब से शुरू हुआ? कोई 120 तक लगा दिए सुबह से, 120 तक लगा दिए सुबह पूरे इस एरिया में जी। तो अभी कल जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, जिस स्पॉट पे, यहाँ पे भी एक एक्सीडेंट हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले, एक टीचर की जो है मौत हो गई थी, तो यहाँ पर अब कितना मतलब लोगों में कितना अब ये देखा आपने कि लोग आए, उन्होंने कहा आपसे कि नहीं अच्छा काम हो रहा है, और ये कल एक्सीडेंट की वजह उसके बाद ही ये नहीं ये तो पहले से काम स्टार्ट था, काम स्टार्ट था। हाँ, कंटिन्यू चल रहा है ये काम। कहाँ से, कब से चल रहा है ये? तो बहुत पहले से चल रहा है ये, वहाँ से प्रेमनगर के इस साइड से जो अपना आरएनसी का काम है वहाँ से यहाँ तक अभी तक कंप्लीट है, अभी तक कंप्लीट है। आगे भी लगा दिया है कई जगहों पे, कुछ थोड़ी जगह रह गई थी जहाँ चल रहा है अभी काम। तो अभी कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा, क्रैश बैरियर्स वगैरह लगाए जाएंगे? लग जाएगा हफ्ता एक, हफ्ता एक लग जाएगा, लग जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये जो है बहुत पावरफुल भी है, क्योंकि इसमें पहले क्या होता था कि पहले जो है कि शख्स आता था, लेबरर, जो कि इसको खोदता था, थोड़ा सा खोदा, उसके बाद जो है वो कंक्रीट डाला जाता था, और बहुत सारी जगहों पर हम देखते थे कि वो अच्छे तरीके से फिट नहीं किया गया था, जो होल्डर है क्रैश बैरियर का, तो वही होल्ड नहीं कर पाता था, तो उसके बाद क्रैश बैरियर टिकता किन्ना था, और अगर गाड़ी उसके साथ हिट करती थी तो 2 मिनट में उखड़ जाता था, कि स्पीड में अगर गाड़ी आई, फोर्सफुली गाड़ी जो है इसके ऊपर बजती थी तो ये टूट भी जाता था, टेढ़ा भी हो जाता था, लेकिन ये इतना मजबूत है कि अगर इसके साथ गाड़ी पड़ेगी तो गाड़ी को ये बचा सकता है, उनमें जो शख्स होंगे उन्हें भी बचा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि क्रैश बैरियर्स लगाए जा रहे हैं, और पूरे नेशनल हाईवे पुलडोड़ा तक जो है, पुलडोड़ा के एरिया में भी कुछ लगे हुए, बीच में भी कोई एरिया है जहाँ पे लगे, पीछे के एरियाज में भी, प्रेमनगर के एरिया में भी क्रैश बैरियर्स लगे हैं, लेकिन ये क्रैश बैरियर होना रोड के साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लोगों की मांग भी थी कि कंटिन्यू क्रैश बैरियर्स लगाए जाएं। तो चलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये काम कर रहे हैं, और लगातार इनका कहना है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये पूरे जो चिनाब वैली की ये जो नेशनल हाईवे है, अगर हम भद्रवा की और बात करें, या चाहे हम खलैनी से बात करें, या जहाँ से जो है ये न्यूली कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, यानी कि अभी काम चल रहा है, ये जितनी भी रोड है या हाईवे जो है ये इनकम्प्लीट है, अभी इसको हम कम्प्लीट नहीं कह सकते, क्योंकि अभी खलैनी में जो टनल है वो भी तैयार हो रहे हैं, उसके साथ में जो बाहर जो फ्लाई ओवर्स हैं
जो जाएगा पुल्लोड़ा से आप जो सामने जो है नेपली जहाँ पे कहा जाता, तो नेपली के पास जो फ्लाईओवर्स हैं वो अभी इनकम्प्लीट है, वो भी अभी बनाए जाएंगे, और उसके बाद फिर गाड़ी इसी रूट से जो है वो खलैनी टनल है, खलैनी टनल से होते हुए सुदमा से देव से जो है हम जल्दी जम्मू पहुँचेंगे। लेकिन कंप्लीट नहीं हुए है, काम हो रहा है, काम चल रहा है, और इसी के साथ में क्योंकि रोड बन गई है तो मुझे लगता है कि जितनी भी कंपनीज वाले हैं तो उन्हें देखना चाहिए कि जहाँ जहाँ से आपने रोड कंप्लीट कर दी है, साफ रोड बन गई है, उन उन जगहों पर आप जल्दी से जो है ये क्रैश बैरियर्स भी लगा लें, जल्दी से वो सब चीज़ें लगा लें, क्योंकि रिफ्लेक्टर भी इसके साथ में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपकी SCC जो है बोरियाँ लगाई गई हैं जगह जगह पर, तो जब ये बोरियाँ लगाते हैं तो इसके ऊपर रिफ्लेक्टर भी लगाते हैं, रात के समय जो है लगे लोगों को कि यहाँ पे काम चल रहा है, और ये जितना भी जो क्रैश बैरियर्स है इन क्रैश बैरियर्स के ऊपर हमने रिफ्लेक्टर नहीं देखे, तो रिफ्लेक्टर होने चाहिए ताकि जैसे गाड़ी आए और गाड़ी की लाइट रिफ्लेक्टर के ऊपर पड़े तो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट और दिखेगी सामने चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि मुझे लगता है ये जो ये बीच में जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन रात के समय भी चमकती है, जब गाड़ी जब चलाते हैं तो उस समय जो है बीच का निशान जो है वाइट कलर का दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए जो है वाइट कलर किया जाता है, ये रिफ्लेक्ट होता है जब रात को लाइट इसके ऊपर पड़ती है। तो ऐसे ही बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर अभी नहीं दिखाई दे रही है, जैसे कि जो बीच में आप देखते हैं कि बीच में बॉक्स टाइप लगाया होता है, उसे क्या कहते हैं मालूम नहीं, लेकिन वो बीच में लगाया होता है और उसमें लाइट जो है ब्लिंक होती है, उससे भी ये पता चलता है कि आगे जो है अलग अलग टाइप्स के वो होते हैं, ब्लिंक करते हैं, उनसे पता चलता है कि कहाँ पर जंप आने वाला है, कहाँ पे आगे जो है वो सिटी आने वाली है, और साइन बोर्ड लगे होते हैं, देख सकते हैं जैसे ये साइन बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, एस टाइप का साइन बोर्ड है, इससे पता चलता है कि आगे जो है ऐसा रास्ता हो सकता है, कहीं पर कर्व जो है वो मुड़ा हुआ होता है तो उससे ये बताया जाता है कि यहाँ से कर्व हो सकता है, तो इसीलिए इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साइंस का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो रिफ्लेक्टर्स है रिफ्लेक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। आप ऊपर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लगाए गए थे ये सभी चीज़ें कि ताकि लैंड को जो है वो बचाया जा सके, लेकिन आप देखते हैं कि जहाँ जहाँ पे ये लगे हैं बहुत कम जगहों पर जो है वो सक्सेसफुल है, मैक्सिमम जगहों पर ये फट गए हैं, लैंडस्लाइड हो गया है, तो जो भी चीज़ें देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये मजबूती से टिके हुए हैं, और यहाँ पर पत्थर वाला एरिया है तो पत्थर वाले एरिया में ये टूट गए हैं फट गए हैं, तो सभी मेजर्स जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको ख्याल होना चाहिए, और अभी देखना ये होगा कि कितने क्रैश बैरियर कितनी क्या है एक हफ्ते के अंदर लगा दिए जाएंगे या नहीं, ये भी जो है वो देखने वाली बात होगी। बाकी आपको क्या लगता है क्रैश बैरियर्स को लेकर जो है इम्पैक्ट हुआ है, अब एडमिनिस्ट्रेशन या कंपनी जो है वो सख्ती में आए, जल्दी काम जो है यहाँ पर होना भी चाहिए और हफ्ते के अंदर अंदर क्रैश बैरियर्स यहाँ पे लगा देने चाहिए। तो दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाज़त, और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और देखते रहे TLR न्यूज़। जय हिंद।